सकता है यूक्रेन पर परमाणु हमले के बाद, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। यूक्रेन जीतने के लिए क्या पुतिन अपने आखिरी हथियार परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले हैं? अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर को ये क्यों कहना पड़ा कि पुतिन एटम बम फोड़ने वाले हैं? क्या रूस के न्यूक्लियर अटैक की खुफिया खबर के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने यूरोप में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात किया है? ये तस्वीरें ब्रिटेन और अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों की हैं जो इस वक्त यूरोप में जिब्राल्टर में पहुंच चुकी हैं। ये न सिर्फ न्यूक्लियर ताकत से चलती हैं, बल्कि इनके जरिए परमाणु हमला भी किया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। यानी पूरी दुनिया एक बार फिर परमाणु युद्ध के खतरे में घिर गई है, और यह खतरा इतना बड़ा है कि धरती पर मौजूद करीब करीब हर देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम है। इस वक्त रूस के पास कुल 4,477 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इनमें से 1,588 परमाणु बमों को रूस ने तैनात कर रखा है, यानी ये एक्टिव हैं, जबकि 2,889 एटम बम रिजर्व में रखे गए हैं। रूसी एटम बमों की ताकत 50 किलोटन से लेकर 1000 किलोटन तक की रूस के परमाणु हमले के खतरे पर बात इसलिए शुरू हुई है क्योंकि यूक्रेन की सीमा पर रूस का वो जहाज देखा गया है जिसे खास तौर पर एटम बम गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। वीडियो में बीच में जो जहाज आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रूसी एयरफोर्स का TU-95 बॉम्बर है। यूक्रेनी सीमा के पास इसका उड़ान भरना संकेत दे रहा है कि रूस कुछ न कुछ बड़ा धमाका करने वाला है, और यह धमाका परमाणु बम का भी हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे हैं कि रूस उनके देश पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। अपने ताजा इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि दुनिया को परमाणु हमले के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें एंटी रेडिएशन दवाइयों का स्टॉक जमा कर लेना चाहिए। वहीं अमेरिका की तरफ से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा है कि पुतिन लड़ाई को जीतने के लिए एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि यूक्रेन संघर्ष में रूस द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन और रूसी लीडरशिप की हताशा को देखते हुए और जिस तरह उन्हें लड़ाई में नाकामी का सामना करना पड़ा है, उसे देखते हुए हम सब में से कोई भी इस खतरे को हल्के में नहीं ले सकता कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ABP News आपको रखे आगे।